हर खबर पर है हमारी पहली नजर, उत्तराखंड की बुलंद आवाज। आप देख रहे हैं न्यूज पोर्टल उत्तराखंड। चुनावों के बीच जोड़ तोड़ की राजनीति में आम आदमी पार्टी ने भाजपा और कांग्रेस के गढ़, जहां से सबसे ज्यादा मतदान उनके पक्ष में होता था, उन्हीं गढ़ों से आम आदमी पार्टी ने ग्राम प्रधानों को अपने पक्ष में कर लिया है, जिससे भाजपा और कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। इस दौरान आप प्रत्याशी दीपक बाली ने बताया कि लंबे समय से ये 8 ग्राम सभाएं विकास से वंचित हैं। यही वजह है कि यहाँ की जनता और जनप्रतिनिधि अब विकास के लिए बदलाव का मन बना चुके हैं और आम आदमी पार्टी के रूप में क्षेत्र में विकास को देख रहे हैं। हमारे 8 गांवों के प्रधान आम आदमी पार्टी में शामिल हुए हैं, जिसमें से 4 भाजपा को छोड़कर आम आदमी पार्टी में आए हैं और 4 कांग्रेस को छोड़कर आम आदमी पार्टी में आए हैं। और आज पार्टी को जो मजबूती मिली है, मैं आभार करूंगा ऐसे जनप्रतिनिधियों का कि जो उन पार्टियों में इसलिए गए थे कि वो अपनी जनता का विकास करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें मायूसी मिली, इसीलिए वो आम आदमी पार्टी जो काम की राजनीति करती है उसके साथ जुड़ रहे हैं और आज पार्टी को बहुत मजबूती मिली है। हर खबर पर है हमारी पहली नजर, उत्तराखंड की बुलंद आवाज। आप देख रहे हैं न्यूज पोर्टल उत्तराखंड।